नमस्कार दोस्तों, अवध हिस्ट्री सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को अनुपात समा अनुपात पर आधारित कुछ प्रश्न बताएंगे। अनुपात समा अनुपात के का पहला भाग है, तो पहले यहाँ पर हम कुछ सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो कठिन से कठिन प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या होगी? यानी इसमें देखिए दिया क्या गया है, 3:5, फिर समानुपात का निशान है, फिर 21, फिर अनुपाते प्रश्नवाचक का निशान। यानी इस प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या रहेगी वही पता करना है। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते कैसे हैं। अगर अनुपात और समानुपात दोनों लगा है तो अंदर अंदर गुणा करते हैं और फिर और बाहर बाहर गुणा करते हैं। तो जब अंदर अंदर गुणा करते हैं, बाहर बाहर गुणा करते हैं, जहां प्रश्नवाचक रहेगा वहां पर हम कोई दूसरी संख्या मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे या ए बी, जो पता करना उसको मान लेंगे। इसको फिर से लिख लेते हैं दोस्तों इस तरीके से, 3:5, फिर समा अनुपात, 21:5, इस प्रश्नवाचक के स्थान पर यक्ष लिख लेते हैं, इसी को पता करना है। अंदर अंदर गुणा करते हैं, बाहर बाहर गुणा करते हैं, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों का गुणनफल, ये इसका फार्मूला होता है। तो अब इसको लिखते हैं, बाहर बाहर गुणा करेंगे तो 3×x हो जाएगा और अंदर अंदर गुणा करेंगे तो 5×21 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर x बराबर 5×21/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा, 3×3, 3×7=21। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा हुआ है, तो 5×7=35, यानी इस प्रश्नवाचक के स्थान पर जो संख्या होगी वो है 35। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 9:25 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती कैसे पता करते हैं? जैसे प्रश्न से ही स्पष्ट हो रहा है, मध्यानुपाती पता करना है, यानी मध्य की कोई संख्या नहीं पता है। तो ये दोनों जो संख्या दी गई है, बाहरी बाहरी संख्या दिया गया, मध्य की संख्या नहीं पता है। तो उसको लिखेंगे दोस्तों कैसे, उसको देख लेते हैं। 9:x, फिर समा अनुपात यक्स, फिर लिखते हैं फिर 25, यानी मध्य की जो दोनों संख्याएं हो नहीं पता है उसी को पता करना है। फिर वही पहले वाला फार्मूला, अंदर अंदर गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर गुणा कर लेंगे। जब अंदर अंदर गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा और बाहर बाहर गुणा कर लेंगे तो 9×25 हो जाएगा। दोस्तों जब इधर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को खत्म करेंगे तो इधर रूट लगा देगा, यक्स बराबर इधर रूट में लिखना पड़ेगा 9×25। इसको इसी अंदर ही तोड़ लेते हैं, जब 9 को तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3×3 में टूटेगा। इसी तरीके से 25 को तोड़ेंगे तो 5×5 टूटेगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ यक्स बराबर लिखते हैं, ये वर्गमूल इसका निकालना है दोस्तों, तो ये जोड़े में से हर एक जोड़े में से एक एक लेना पड़ेगा। यहाँ पे 3 में से 1 जोड़ा बाहर कर लेते हैं, इस 5 में से 1 जोड़ा बाहर कर लेते हैं, फिर दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 3×5=15। अगर मध्यानुपाती आपको दोस्तों पता करना हो तो बीच में दो संख्या आपको यक्ष मानना पड़ेगा और इसके बाद अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। या कोई एक दूसरा तरीका है दोस्तों लगाने के लिए, अगर 9×25 का मध्यानुपाती पता करना है तो सीधा सीधा रूट में आपको लिख देना है, जो दोनों संख्याएं दी गई उन्हीं दोनों को ही अंदर लिख दीजिए। इसके बाद इसको सॉल्व कर लोगे, सीधा सीधा आ जाएगा, इसका गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ 3×3 हो जाएगा, 25 कर लेंगे, 5×5 हो जाएगा। इसके बाद इस जोड़े में से 3 को बाहर कर लेंगे, इस 5 में से इसको बाहर कर लेंगे, आ जाएगा 15। बहुत ही आसानी से इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, 8:5, 2.5 का प्रथमानुपाती पता करना है, यानी पहली संख्या क्या होगी वो पता करना है। पहली संख्या पता करना है तो पहले ही अनुपात पे लिख देंगे यक्स, दूसरी इस तरीके से क्रम से लिखेंगे 8, फिर समानुपात, फिर लिखेंगे 5:5, 2.5।
यानी पहली संख्या आपको पता करना है, इसलिए पहले ही x लिख दिए हैं, फिर वही फार्मूला लगेगा दोस्तों, अंदर अंदर गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर गुणा कर लेंगे। जब बाहर बाहर गुणा करेंगे तो x गुणे हो जाएगा 2.5, और इस तरीके से अंदर अंदर गुणा करेंगे तो 8 × 5 हो जाएगा। फिर इस तरीके से x बराबर दोस्तों 8 × 5 / 2.5, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं दोस्तों, 8 × 5 हो गया, फिर 2.5, नीचे दोस्तों दशमलव है, इस दशमलव को ख़त्म करने के लिए ऊपर आपको 10 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये दशमलव ख़त्म हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 25, इस 5 से और काट देंगे, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, ये यक्ष बराबर जो मान आएगा दोस्तों 8 × 2 = 16। अगर प्रथमानुपाती पता करना है दोस्तों तो पहले ही आपको यक्ष रखना पड़ेगा, अगर तृतीया कहता है चतुर्थी कहता है उसी तरीके से देखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6, 5, 21 का चतुर्था अनुपाती पता करना है, यानी चतुर्थ पद क्या होगा वो पता करना है। इसको अनुपात में लिख लेंगे, 6 × 5, फिर समानुपात 21, चौथा पद गायब है दोस्तों, उसी को पता करना है, वहाँ पे लिख लेते हैं यक्स। अब फिर वही तरीका, अंदर अंदर गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर, जब बाहर बाहर गुणा कर लेंगे तो 6 × x हो जाएगा, और अंदर अंदर गुणा करेंगे तो 5 × 21 हो जाएगा। फिर यक्स बराबर यहाँ मान लाएंगे 5 × 21 / 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21। अब दोस्तों तो दशमलव में कटेगा, दशमलव काट देते हैं, 5 × 7 = 35 हो गया, 35/2, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 2 × 1 = 2 हो गया, और यहाँ पे 1 बचा 15 हो गया, 2 × 7 = 14, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, फिर 2 × 5 = 10, यानी x का मान जो आएगा वो 17.5 आएगा। यानी इस वाले सवाल में 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती पता करना है, तो इस तरीके से लगाने पर जो मान आएगा वो 17.5। दोस्तों अगला सवाल चलिए देखते हैं, 12 और 30 का तृतीया अनुपाती ज्ञात करना है। दोस्तों जैसे अगर प्रथमा अनुपाती ज्ञात करना था तो पहले x लिख देते थे पहले पद पर, अगर मध्यानुपाती पता करना था तो बीच में यक्ष यक्ष लिख देते थे, अगर चतुर्थानुपाती पता करना था तो चौथे पद पर यक्ष लिख देते थे। लेकिन तृतीया अनुपाती जो दोस्तों हैं ये थोड़ा सा अलग है, इसको बढ़िया समझिएगा, हम समझाने का प्रयास भी करते हैं, देखिए कैसे सवाल लगेगा। अगर तृतीया अनुपाती वाला सवाल आ जाता है तो कैसे लगाएंगे, 12 और 30 का ही पता करना, दो ही संख्या पता करना, 2 गायब है, अगर तृतीया केवल पद गायब होता तो यहाँ पे तृतीय अपने यक्ष लिख देते, लेकिन इसमें केवल 2 ही पद दिया गया है, 2 गायब है। तो चलिए दोस्तों इस टाइप का सवाल को अगर आता है कैसे लगाओगे, चलिए लिखते हैं दोस्तों 12 × 30, फिर समानुपात 30 × x, यानी दोस्तों अगर तृतीय अनुपाती कहता है जो दूसरा पद होता है उसी को 2 बार लिखते हैं और चौथे पद पर यक्ष लिखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर तृतीय अनुपाती पता करना है और 2 ही पद दिया गया है तो पहला पद 1 ही बार लिखेंगे, जो दूसरा पद होगा उसको 2 बार लिखेंगे, चौथा पद पे यक्ष लिखेंगे। इस तरीके से लिखने के बाद तब दोस्तों लगाएंगे, अंदर अंदर गुणा कर लेंगे, बाहर बाहर गुणा कर लेंगे, तो इस तरीके से 12 × x हो जाएगा और 30 × 30 हो जाएगा। फिर यक्ष बराबर जो मान आएगा 30 × 30 / 12, इसको दोस्तों काट देते हैं, 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, ये 2 से और काट देंगे, 2 × 1 = 2, इसको ये आ जाएगा 15, यानी यक्ष बराबर जो मान आएगा 15 × 5 = 75। दोस्तों 12 और 30 का तृतीय अनुपाती 75 होगा, इसको दोस्तों एक बार दोबारा बता देते हैं, 12 और 30 का पता करना है तो 12 को केवल सिंगल लिखेंगे, 30 को 2 बार लिखेंगे, मध्य में लिखेंगे, चतुर्था पद आपको पता करना है, तब जाकर के तृतीय पद पता होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं सवाल, अगला कैसे सवाल है, यदि x अनुपाते y बराबर 4 अनुपाते 5 हो तो ब्रैकेट में x - 5x - 3y, फिर अनुपात ब्रैकेट में 6x + 3y का मान पता करना है। दोस्तों एक बात और आप लोगों को बता दें, जो अनुपात होता है उसका मतलब बटा होता है, इस यक्ष अनुपाते वाई है तो इसको लिख सकते हैं x/y, यहाँ भी अनुपात लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 4/5,
ये यक्स बटे वाई इधर लिखा है, इधर यक्स 4/5 लिखा गया है। तो यक्स बराबर जो मान रहेगा ऊपर ऊपर के मान होता है, यक्स बराबर 4, और हर का जो मान होता है अगले वाले हर का मान बराबर होता है, तो वाई बराबर ही आ जाएगा 5। यानी यक्स बराबर 4 रहेगा, वाई बराबर 5। यही अगर दोस्तों पता हो गया, अब जब ये यक्स बराबर 4 आ गया, वाई बराबर 5 आ गया, तो यही यहाँ पे आगे मान रख देते हैं। क्या है देखते हैं दोस्तों, यहाँ है 5x-3y है, फिर अनुपात का निशान है, फिर यहाँ 6x+3y है। फिर मान रखते हैं दोस्तों, यक्स बराबर 4 आया है, तो यक्स के स्थान पे 4 लिख देंगे, तो 5×4 हो गया, माइनस यहाँ 3 है, वाई बराबर जो मान आया है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर इसी तरीके से अगले में भी मान रख देंगे, 6 है, यक्स बराबर यहाँ पे आया है 4, तो 4 लिख देंगे, और फिर 3 गिनती है, इसको लिख देते हैं, वाई बराबर जो मान आया है वो 5 आया है, तो 5 लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये हो गया 5×20, ये 3×5=15 हो गया, फिर अनुपात का निशान, ये हो गया 6×24 हो गया दोस्तों, प्लस 3×5=15। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 20 में से 15 को माइनस करना है तो आ जाएगा 5। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, 24 और 15 दोनों को जोड़ना है, तो 5×4=9 हो गया, और 2×1=3, यानी 5:39। ये सॉल्व भी नहीं हो सकता, अब अगर कटेगा भी नहीं, यानी यक्स अनुपाते वाई बराबर 4:5 हो, तो 5x-3y 6x+3y का मान जो आएगा वो 5:39 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों सवाल क्या है, यदि P/Q = 2/3 हो, तो 4P-2Q पूरे का बटा 3P+2Q का मान पता करना है। अभी भी दोस्तों बताए हैं, पी बटे यहाँ पे मान लीजिए क्यू है, तो पी बराबर जो मान आएगा, पी बराबर मान आ जाएगा 2, और क्यू बराबर जो मान आएगा वो 3। दोस्तों केवल इसी का मान इसमें सेट कर देंगे तो सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो 4P है, तो 4P का मान जो आया हुआ है 2 आया हुआ, तो 4×2 हो जाएगा, फिर -2 है, 2 लिख देंगे, क्यू बराबर जो मान आया हुआ है वो 3 आया, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, अब पूरे का बटा लिख देंगे। यहाँ पे 3 है, पी बराबर जो मान आया है 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस 2 है, 2 लिखने के बाद क्यू बराबर जो मान आया है 3, यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 4×2=8 हो गया, और -2×3=6 हो गया दोस्तों। अब नीचे सॉल्व करते हैं हर को, ये 2×3=6 हो गया, प्लस ये भी 2×3=6 हो गया, और आगे सॉल्व करते हैं इसको, 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 6+6=12 हो गया, ये और भी सॉल्व हो जाएगा, 2×1=2, 2×6=12, यानी 1/6। इस तरीके से दोस्तों बहुत ही आसानी से सवाल को लगा सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे इस तरीके से क्वेश्चन अन्य मित्रों को भी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।